हाय फ्रेंड्स, तो अभी बज गया रात के 12 और मैं कर रही हूँ अभी तक काम। मैं लड्डू गोपाल के पकड़े बना रही हूँ, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए। एंड ये देखिए, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में 12:04 हो रहे हैं। तो अभी तक मैं कर रही थी सिलाई और मैंने किया हैवी हेयर ऑयलिंग, जिसकी वीडियो शेयर होने वाली है। हेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं उस वीडियो में, तो आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं 2 पीसेज और निकालूंगी ये वाली, उसके बाद मैं जाऊँगी सोने। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। और ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है लड्डू गोपाल का कपड़ा, बस इसमें बेल्ट लगानी है और रबड़ लगा देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लंडा बीच में करनी चाहिए, मुंह मुंह पे आ जाएगा ना। इधर देखो कैमरे की तरफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ हैवी हेयर ऑयलिंग। आज है सैटरडे, शनिवार, तो शनिवार को सरसों का तेल लगाना चाहिए। इससे मान्यता है कि शनिवार को सरसों का तेल लगाने से जो शनिदेव की बुरी दृष्टि होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी शनिवार है, आज 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे शनिवार ख़त्म होकर संडे स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजने वाले हैं एंड मैं कर रही थी अभी तक काम। मैं दिखाती हूँ, ये ही काम कर रही थी मैं। लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये कपड़े बना रही थी मैं। और यहाँ पे रखा है मैंने सरसों का तेल, जो मैं अपने बालों में भी लगाने वाली हूँ। इतने सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा सारा कपड़ा। यहाँ पे देखिए, पोल्ट्री में पूरा भर के रखा, 50 पीस रखे हुए हैं। इस चेयर पर है, सारे बनाने हैं मुझे। तो मैं यही काम कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोज वगैरह बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तभी हैवी ऑयलिंग करूँगी और मैं सोने जा रही हूँ। बाल झड़ चुके हैं सारे, इतना ज़्यादा मेहनत है, इतना काम है जिसकी वजह से। तो बालों की कटिंग करने वाली हूँ, बस वेट कर रही हूँ। इसलिए ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं, बालों को ओपन कर लेती हूँ। हेयर फॉल भी मेरे हो रहे हैं, बट कम हो गए हैं थोड़े बहुत। तो मैंने टिप्स शेयर किए हैं आपके साथ। अगर आपका भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप वो यूज कर सकते हो। अभी कुछ स्टैंड वगैरह है नहीं यहाँ पे, तो इसी तरीके से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया है बालों में, पानी यहाँ से निकल रहा है। इसी तरीके से मैं बहुत सारा ऑयलिंग करूँगी बालों में एंड जाके सो जाऊँगी। कल है संडे, तो कल हेयर वॉश करेंगी। तो बालों में जब भी आप ऑयलिंग करते हो, और मेरा मानना है कि बालों में ऑयलिंग भर भर के करनी चाहिए, उससे हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं एंड नए बालों की ग्रोथ होती है। एंड रात के टाइम पे ऑयलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी अच्छे से अपना वर्क कर पाती है और बालों को काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं आपके हेयर। जब मैं मशीन के पास ही करी, सर कपड़े पे गिरा ऑयल, तो बहुत डांट पड़ने वाली है कंपनी की तरफ से। कैमरे पे मैंने लगा दिया ऑयल। मैं ढूंढ रही कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे वीडियो क्लियर आए एंड डिस्टर्बमेंट ना हो, तो भी अच्छी सी जगह मिल गई हमको। मैंने ये रखा है यहाँ पे फोन, ये देखिए इसके ऊपर रखा था, वहाँ पे फोन को इस तरीके से टिका दिया है। अभी ऑयलिंग हमको आराम से करते हैं। बहुत सारा ऑयल इस तरीके से गिराया मैंने, लेकिन थैंक गॉड कि कपड़े में नहीं गिरा, बच गया, क्योंकि वो भी मैंने बना के रखा होगा।
बालों में अच्छे से ऑयलिंग मैंने कर ली है। और मेरी ब्लॉग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं ब्लॉग वीडियोज भी बनाऊँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम चल रहा है। तो सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ मैं। अगर आपको देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी बालों पे, सेहत पे, हेल्थ पे, स्किन पे किसी को भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो चुका है। बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबको सब चीज़ पे ध्यान दूँगी और फिर आप लोगों को वीडियोज भी मिलेंगी। अगर आपको मेरी ब्लॉग वीडियोज देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने 3 दिन से कंघी भी नहीं की थी बालों में और वीडियोज भी नहीं जा रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मुझे आप लोग की याद आती है, मैं फटाक से वीडियो बना लेती हूँ 12 बजे 1 बजे रात के किसी भी टाइम पे। ये है मेरा हेयर फॉल, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मुझे कि आप अपना हेयर फॉल दिखाया कीजिए कितना होता है। तो ये ऑयलिंग की मैंने और ये है मेरा हेयर फॉल और मैं जा रही हूँ सोने। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और मुझे लगता है सरसों का तेल अगर आप भर भर के अपने बालों में लगाते हैं तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और बालों का जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वॉल्यूम है, सब बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ मिस्टेक हो रही हो, कुछ गलत बोल के, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके हेयर फॉल सच में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा। आप डेली रात में सरसों का तेल लगाइए, आपको दिखेगा फर्क आपके बालों के ग्रोथ में और हेयर फॉल में काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे आपके बाल। और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मैं कट करने वाली हूँ यहाँ तक हेयर को। लेकिन सावन बीच है, सावन यानी कि रक्षाबंधन ख़त्म होने के बाद जो सावन का महीना चल रहा है वो बीत जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। सरसों का तेल मैं अपनी फेस पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सरसों का तेल फेस पे मत लगाएगा, क्योंकि सरसों का तेल बहुत गर्म होता है और सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से अगर ऑयली स्किन वाले इसको यूज करेंगे तो पिंपल्स आ सकते हैं। आईब्रो भी बनाना है बट कल बनाऊंगी और आप लोग का वीडियो भी जरूर शेयर करूंगी। इसलिए बालों को इस तरीके से गोल बना लेती है। मैं इसी तरीके से बालों को रखती हूँ, हेयर काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और काम वाम करने में भी काफ़ी इजी रहता है, इसलिए मैं इसी तरीके से बालों को रखती हूँ घर में। आप किस तरीके का हेयर स्टाइल करते हो अपने घर पे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ब्लॉग वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, ताकि मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और आप लोगों के साथ पूरा दिन का रूटीन जो है मेरा शेयर किया करूँ, क्या चल रहा है, क्या काम आ रहा है, कैसे कर रही हूँ, सारी चीज़ें कौन कौन सी लड़कियाँ मेरे पास काम करने के लिए आती हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गुड नाइट, टेक केयर, हम 12 बज चुके हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।